बोंदितापुर गांव में दामिनी नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों रिया और शिखा के साथ रहती थी। दामिनी गांव के जमींदार सुजीत सिंह के घर मालिन का काम करती थी। दामिनी बहुत ही मन लगाकर उसके बगीचे की देखभाल करती थी, जिस वजह से सुजीत सिंह के बगिया में बहुत ही रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, जिसके व्यापार से जमींदार की बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन सुजीत सिंह दामिनी को आवाज लगाते हुए कहता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। मालिक की आवाज सुनकर दामिनी भागी भागी वहाँ आती है। जी मालिक, कहिए। ये बताइए, गुलाब के फूल ऐसे मुरझाए हुए क्यों है? ये तू कैसे देखभाल कर रही है बगीचे का? तुझे पता है ना मुझे अपना बगीचा कितना प्यारा है। मेरे बगीचे में कोई भी फूल मुरझाए मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जानती हूँ मालिक, लेकिन सालों साल इस बगीचे के फूल खिले खिले तो नहीं रह सकते है ना। फूलों का खिलना और मुरझाना ये तो प्रकृति का नियम है, ये सब तो भगवान के हाथों में है। जब सब कुछ भगवान के हाथों में ही है तो तू क्या यहाँ मुफ्त में पगार लेगी? चल अब जा यहाँ से, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करो। मेरे घर पर मेरी दो बेटियाँ हैं, वो बड़ी आस लगाकर बैठी होगी कि मुझे पगार मिलेगा तो घर में खाना बनेगा। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। ठीक है मालिक, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझे आज का मेहनताना तो दे दीजिए। कोई मेहनताना वेहनताना नहीं मिलेगा तुझे, चुपचाप जाती है या चौकीदार को बुलाऊं? मालिक की बात सुनकर दामिनी दुखी होकर वहाँ से अपने घर की ओर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक हरा भरा पौधा दिखाई देता है। अरे, ना जाने किसने इस पौधे को उखाड़ फेंका है, इस पौधे में तो अभी पूरी जान बाकी है। एक काम करती हूँ, मैं इस पौधे को अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ आंगन में लगा दूंगी। दामिनी उस पौधे को लाकर अपने आंगन में लगा देती है और रोजाना उसमें पानी डालती है। कुछ ही दिनों बाद वो छोटा पौधा बड़ा होने लगता है। ये देखकर दामिनी की दोनों बेटियाँ रिया और शिखा कहती है, अरे रिया, ये देख, माँ का लगाया हुआ पौधा कैसे तनकर खड़ा हो गया है। अब देखना, बहुत ही जल्दी ये पेड़ हमें मीठा मीठा फल देगा, फिर हम इन फलों को बेचने लगेंगे जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी और माँ को भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अपने बेटियों की आंखों में अमीरी के सपने देखकर दामिनी टूटे मन से कहती है, हे भगवान, लालत है मुझ गरीब माँ पर। कितने दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया, उसके बाद लोगों के घरों में जैसे तैसे झाड़ू पोछा करके काम मिला, उससे भी मेरे घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कहीं डूब मरना चाहिए। दामिनी यही सब सोच कर हर रोज घुटती रहती थी, जिस वजह से दामिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर स्वर्ग सिधार जाती है। दोनों बहनों के माथे से माँ का साया हट जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती है। कहते हैं ना, किसी के चले जाने से कहाँ किसी का जीवन रुकता है। दोनों बहनें कभी गांव वालों से भीख मांगकर अपना पेट भर लेती तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करती। ऐसी ही दोनों बहनें एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे थे, परंतु रोजाना दोनों बहनों को इस तरह भीख देते देते लोग थक जाते हैं। अब लोग दोनों बहनों को इग्नोर करने लगे थे और उन्हें भीख नहीं देते थे, जिस वजह से रिया भूख के मारे रोने लगती है। चुप हो जा मेरी बहन, मत रो ऐसे। दीदी, हम कब तक इस तरह भीख मांगकर अपना गुजारा चलाएंगे? ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है, इससे अच्छा तो ये है कि हम मर जाए। ऐसा मत बोल मेरी बहन, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो दोनों बहनें रोजाना अपने आंगन में लगे पेड़ को पानी देती और उससे बातें करती और जैसे तैसे लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, उनका पेड़ भी बहुत बड़ा और विशाल हो जाता है। 10 साल बाद दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। एक दिन शिखा आंगन में उदास बैठी थी। शिखा को देखकर रिया कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इस तरह इस पेड़ के पास क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं मेरी बहन, बस मैं सोच रही थी
कि वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, जमाना कहाँ से कहाँ बढ़ गया, मगर हम अनाथ बहनें आज भी गरीबी के दलदल से निकल नहीं पाए हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। देखो ना, हम रोजाना इस पेड़ को पानी देते हैं, ये पेड़ कितना विशाल हो गया है, मगर अब तक इसमें एक भी फल नहीं लगा है। कम से कम इस पेड़ पर फल उगते तो हमारी कुछ मदद हो जाती। वही तो। चलो रिया, अब अंदर चलते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिस वजह से उनका कच्चा मकान ढहने लगता है। रिया, अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, ये घर गिरने वाला है। दोनों बहनें घर से निकलकर पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। घर छिन जाने का उनको बहुत दुख होता है। क्या बिगाड़ा था हम अनाथ बहनों ने भगवान जी आपका, जो आपने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। हाँ दीदी, हम कहाँ रहेंगे। दोनों बहनें घर के खो जाने का दुख मना रही होती है, तभी वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी होती है, उस पेड़ पर से अचानक बहुत सारे बेशकीमती गहनों की बारिश होने लगती है, जिसे देख दोनों बहनें हक्की बक्की रह जाती है। अरे बहन, ये तो सोने और हीरो के गहने हैं। हाँ दीदी, मगर ये आए कहाँ से। तभी पेड़ में से आवाज आती है। अपने पीछे देखो शिखा और रिया। आवाज सुनकर दोनों बहनें पेड़ की तरफ देखती है। उस पेड़ पर कई सारे सुंदर सुंदर सोने चांदी हीरो के गहने लगे हुए थे, जिनकी खड़ी चमक पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। अरे ये कैसा जादू है, पेड़ पर तो फल सब्जियां उगती हैं, मगर इस पेड़ पर तो गहने लगे हुए हैं। बेटी, मैं एक जादुई गहनों का पेड़ हूँ, जिस पर उगने वाले सोने के गहने कभी खत्म नहीं होते। मेरा जीवन तुम बेसहारा बहनों की देन है, तुमने मुझे पानी खाद देकर सींचा है, इसलिए मेरे ऊपर उगने वाले गहनों पर तुम्हारा हक है। मेरे पेड़ पर लगे गहनों को बेचकर तुम अपने लिए एक अच्छा नया घर बनवाओ, मैं अंत तक तुम्हारी मदद करते रहूँगा। पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। पहली बार उनके जीवन में इतनी खुशियाँ आई थी। दोनों बहनें पेड़ पर लगे गहनों को सुनार के पास बेच देती है और अपने लिए आलीशान घर बनवाती है और उसमें सुख में जीवन व्यतीत करने लगती है। तभी एक दिन दोनों बहनें पेड़ के पास आती है और कहती है, हे जादुई गहनों का पेड़, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन बहनों की पुकार सुनकर पेड़ के अंदर एक चमकदार रोशनी होती है और पेड़ वापस से गहनों से लद जाता है। तभी पेड़ बोलता है, कहो तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। जादुई पेड़, आपसे जो गहने हमें मिले थे वो सारे गहने घर बनवाने में खर्च हो गए, इसलिए अब हम गरीब बहनों को थोड़े और गहनों की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो मुझ पर उगे सारे गहनों को तोड़ लो। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है और उन पेड़ पर से आवश्यकता अनुसार गहनों को तोड़ लेती है। अब जब भी कभी उन अनाथ बहनों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती तो वो पेड़ के पास आकर गहनों को तोड़ लेती। ऐसे ही वक्त के साथ जादुई पेड़ और दोनों बहनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है। दोनों बहनें अपनी शादी का पहला न्योता जादुई गहनों के पेड़ को देती है। क्या बात है, आज तुम दोनों बहनें बड़ी खुश लग रही हो। खुशी की ही बात है जादुई पेड़, अब हम अनाथ बहनों का घर बसने वाला है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। ऐसा बोलकर जादुई पेड़ खुशी से झूम उठता है और अपनी टहनियां हिलाकर बहुत सारे गहने नीचे गिराता है। ये लो बेटी, जब तुम दुल्हन के जोड़े में इन गहनों को पहनोगी तो तुम्हारा रूप निखर जाएगा। जाओ, एक नया जीवन तुम्हारी राह देख रहा है। शुक्रिया जादुई पेड़, अगर आज तुम हमारा साथ न देते तो हम गरीब अनाथ बहनों का ना जाने क्या होता। इसके बाद दोनों बहनें गहने लेकर घर आ जाती है। ऐसी ही उनकी शादी का दिन आ जाता है। वो दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में उन गहनों को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह दोनों बहनों की शादी हो जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती है। और जब भी कभी उन्हें जादुई पेड़ की याद आती तो वो अपने घर आकर उनसे मिल लिया करती और इस प्रकार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है।
अत्याचारी सौतेली बहन। एक शहर में सोनल अपने पिता राम सेवक और अपनी सौतेली माँ बहन के साथ रहा करती थी। उसकी सौतेली बहन का नाम शिवानी और उसकी माँ का नाम उषा था। उसकी सौतेली माँ तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उसकी सौतेली बहन शिवानी हमेशा सोनल पर अत्याचार करती रहती थी। इस वजह से सोनल बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उसकी बहन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। और ये बात उसकी सौतेली माँ उषा भी जानती थी, और वो शिवानी को बहुत ज्यादा समझाती थी, पर शिवानी उनकी एक भी बात नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, वो दोनों बहनें एक साथ बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और उषा सोनल से कहती है, अरे सोनल, आज तुम स्कूल नहीं जा रही हो क्या? नहीं माँ, आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए आज स्कूल नहीं जा रही हूँ। आप बताइए, आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही थी। और शिवानी, तुम बताओ, तुमने अपने स्कूल का सारा काम कर लिया क्या? क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारे स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाया था। कर लूंगी माँ, इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी आज की छुट्टी है, आज मैं स्कूल का सारा काम कर लूंगी। कर लेना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे स्कूल से शिकायत आ जाए, क्योंकि हर बार तो तुम्हारे स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। मुझे पता है माँ, पर आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार स्कूल से शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। और ये कहकर उषा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनल अपनी सौतेली बहन शिवानी से कहती है, शिवानी, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है क्या? यदि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपना पूरा काम कर सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर फिर भी यदि तुम्हें हो तो बता देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और उन दोनों को खाने के लिए पास्ता लाती है। वो दोनों बड़े मजे से पास्ता खाने लगती है। और इसके बाद शिवानी वहाँ से चली जाती है और सोनल अपने स्कूल का काम करने लगती है। सोनल हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी, इस वजह से उसकी सौतेली बहन सोनल से बहुत ज्यादा जला करती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, राम सेवक घर पर बैठा हुआ होता है, तभी वो अपनी बेटी सोनल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, अरे बेटी सोनल, तुम क्या कर रही हो, कभी कभार मेरे पास भी बैठ लिया करो। जी पिताजी, मैं अभी आपके पास आई। और ये कहकर सोनल अपने पिता के पास चली जाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी वहाँ पर शिवानी आ जाती है और शिवानी को देखकर राम सेवक शिवानी से कहता है, अरे शिवानी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो, तुम भी मेरे पास बैठकर बात कर लो, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, तुम लोगों ने मुझसे बात नहीं की। अगर आपको मुझसे बात करने की फुर्सत हो तब तो आप मुझसे बात करेंगे ना, आपको तो सिर्फ सोनल से ही बात करनी होती है और इसलिए हर बार उसी को अपने पास बैठा लेते हैं। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, आखिर वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए, और तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे भी तो बात करता हूँ ना। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, और रही बात सोनल की, तो वो मेरी बहन नहीं है, मैं उसे कभी भी अपनी बहन नहीं मानूंगी। तभी वहाँ पर उषा आ जाती है और शिवानी से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर सोनल तुम्हारी बहन है, तुम्हें कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती हूँ तो तुम कौन होती हो उसके साथ ऐसा व्यवहार करने वाली? मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा सोनल को प्यार करती हैं, जबकि आपकी सगी बेटी मैं हूँ, पर आप सबसे ज्यादा सोनल को ही प्यार करती हैं और इसी बात से मुझे सोनल से जलन होती है। अरे बहन, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, ये दोनों तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मुझसे करते हैं, आखिर तुम भी उनकी बेटी हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुमने मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ छीन ली है। और ये कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। शिवानी के जाने के बाद सोनल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर उषा सोनल से कहती है, बेटा तुम दुखी मत हो, मैं शिवानी को समझाऊंगी, अभी वो नादान है। ठीक है माँ, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ।
और ये कहकर सोनल भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात है, सोनल और शिवानी एक साथ बाहर खेल रही होती है। तभी शिवानी अपना पूरा गुस्सा निकालने के लिए सोनल के ऊपर मिट्टी फेंकने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा गंदी हो जाती है और वो शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रही हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ। और अभी मिट्टी के साथ साथ देखो मैं तुम्हारे ऊपर और क्या डालती हूँ। और ये कहकर वो सोनल के ऊपर पानी डाल देती है, जिससे सोनल बुरी तरीके से गंदी हो जाती है और वो रोने लगती है और रोते हुए शिवानी से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता है कि मेरे फेवरेट कपड़े थे, पर फिर भी तुमने इन्हें बेकार कर दिए। हाँ, मुझे पता था, इसलिए तो मैंने इन्हें बेकार किया है, क्योंकि तुम मुझसे मेरी सारी चीजें छीन लेती हो। तो आज मैंने भी तुम्हारे फेवरेट कपड़ों को गंदा कर दिया, इससे हिसाब बराबर हो गया। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैंने तुम्हारी कौन सी चीज को छीना है? मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ, तुमसे हमेशा अपनी सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ। आखिर तुम मेरी बहन हो, फिर तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? पर मैं तुम्हें अपना बहन नहीं मानती हूँ, और ना ही तुम मेरी सगी हो, तुम मेरी सौतेली बहन हो, समझी तुम? और ये कहकर वो उसके ऊपर और मिट्टी डाल देती है, जिससे वहाँ काफी कीचड़ हो जाता है। और वो दोनों जहाँ पर खेल रहे होते हैं, उसी के पास एक कुआं होता है, और शिवानी सोनल के ऊपर मिट्टी डालते डालते कुएं में गिर जाती है। ये देखकर सोनल काफी ज्यादा घबरा जाती है और शिवानी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। शिवानी कुएं में एक कील के सहारे लटक जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी सोनल शिवानी से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम बस कील को कस के पकड़े रहना। और ये कहकर वो इधर उधर देखती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कुएं की बाल्टी कुएं में फेंकती है और शिवानी से कहती है, शिवानी, तुम इस बाल्टी को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। नहीं, तुम मुझे ऊपर नहीं खींच पाओगी, मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तुम जल्दी जाओ और मम्मी पापा को बुला कर ले आओ। नहीं, यदि मैं मम्मी पापा को बुलाने गई तो तुम इस कुएं में गिर सकती हो। तुम मुझ पर विश्वास रखो और इस बाल्टी को पकड़ लो, मैं अभी यहाँ से मदद मांगती हूँ। सोनल के काफी कहने पर शिवानी बाल्टी को पकड़ लेती है और सोनल अपने आसपास के लोगों से मदद मांगती है, और फिर वो सभी शिवानी को कुएं से बाहर निकाल लेती है। बाहर आने के बाद शिवानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनल भी बहुत खुश होती है, और सोनल शिवानी के गले से लग जाती है और उसे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि ना ही तुम मुझसे जलती और ना ही तुम मुझ पर मिट्टी डालती और ना ही तुम इस कुएं में गिरती। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ये सुनकर शिवानी को काफी बुरा लगता है और वो सोनल से कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रही थी और इसीलिए मुझे भगवान ने ये सजा दी, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? अरे, इसमें खुश होने की क्या बात है? आखिर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। तभी वहाँ पर उषा और राम सेवक भी आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को सुरक्षित देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन दोनों को गले से लगा लेते हैं। और उषा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि शिवानी कुएं में गिर गई, तो तुम बाहर कैसे आई? तुमको किसने निकाला? ये सब सोनल की वजह से हुआ। यदि आज सोनल नहीं होती तो मैं सच में कुएं में गिर गई होती। वो तो सोनल ने समय रहते लोगों को बुलाकर मुझे कुएं से निकलवा लिया। ये सुनकर उषा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोनल को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बेटी हो। इसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं और अब शिवानी सोनल से बिल्कुल भी नहीं जला करती थी, साथ ही उसके साथ नरमी से पेश आया करती थी। और अब सोनल भी बहुत खुश थी कि उसकी बहन उसे प्यार करने लगी। सोतेली माँ और सोने चांदी की परियां। बहुत समय पहले की बात है, जानवी नाम की एक लड़की मादीपुर गांव में अपनी माँ पूजा
और पिता रघु के साथ रहती थी। जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जानवी के माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन जानवी अपने माता पिता के साथ अपने पिता रघु के ऑफिस पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। जानवी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जानवी और उसके माता पिता घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही जानवी की माँ पूजा की मृत्यु हो जाती है। आसपास खड़े लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जिस वजह से जानवी और उसके पिता बच जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जानवी की आंख खुलती है तो वो अपने पिता और डॉक्टर को अपने सामने दिखती है। वो उन दोनों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? माँ, आप कहाँ है माँ? देखो ना, मुझे कितनी चोट आई है, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर जानवी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जानवी बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है। जानवी के बार बार पूछने के बाद जानवी के पिता रघु उसे उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर जानवी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटी। जानवी के पिता उसे बहुत समझाते हैं और उसके ठीक होने पर उसे घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों तक जानवी कुछ नहीं बोलती, वो अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगती है। ये देखकर जानवी के पिता रघु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद जानवी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी के पिता रघु एक रूपाली नाम की विधवा औरत से शादी कर लेते हैं और जानवी से उसका परिचय कराते हुए कहते हैं, देखो जानवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या सच में पिताजी, ये मेरी नई माँ है? अपनी नई माँ के बारे में सुनकर जानवी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। कुछ दिनों तक जानवी की नई माँ रूपाली उसका बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रूपाली ने अब रघु के दिल में जगह बना ली थी और रघु अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ महीनों बाद रूपाली को एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम वो टीना रखती है। रूपाली का अपना बच्चा होने के बाद उसका ध्यान जानवी से पूरी तरह हट जाता है और वो जानवी को नजरअंदाज करने लगती है। दिन बीतने के साथ साथ रूपाली को जानवी खटकने लगती है, क्योंकि रघु अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। ये सब देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन रघु रूपाली से कहता है, रूपाली, मैं सोच रहा था कि क्यों ना जानवी का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दूं। जानवी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। रूपाली को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रघु की बातों को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो एडमिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद रघु जानवी के पास जाता है और उससे कहता है, जानवी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत भी होगी, तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कपड़ों के लिए जो पैसे देना चाहते थे, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए, भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अपनी माँ के साथ चली जाना और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े ले आना। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है और फिर रूपाली के पास जाकर उससे कहता है, रूपाली, ये लो कुछ पैसे, तुम जानवी के साथ बाजार चली जाना और उसे सुंदर सुंदर कपड़े दिला लाना। कल उसे शहर के लिए निकलना है, शहर में उसके काम आएंगे।
इतना कहकर रघु रूपाली को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली जानवी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों रे जानवी, तू पूरा दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाती रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। उसके बाद रूपाली बेमन से गांव से बाहर एक बड़े बाजार में ले जाती है। रूपाली जानती थी कि जानवी को उस जगह की जानकारी नहीं है। रूपाली जानवी को बड़े बाजार के बीचों बीच खड़ा कर देती है। बड़े बाजार का नजारा देखकर जानवी रूपाली से कहती है, माँ यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं यहाँ खो न जाऊँ। अरे डरने की कोई बात नहीं है, इस बड़े बाजार में हमेशा इतनी ही भीड़ होती है, और अब तुम्हें इस भीड़ की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शहर में भी हर जगह ऐसी ही भीड़ होती है। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर जानवी कपड़े लेने चली जाती है। तभी मौका देखकर रूपाली वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये जानवी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। रूपाली वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी जब कपड़े खरीद कर वापस आती है तो उसे कहीं भी अपनी माँ रूपाली नजर नहीं आती। ये देखकर जानवी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बड़े बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह की जानवी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और न ही उसे जानकारी थी। जानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब घर कैसे जाए। जानवी बड़े बाजार से निकलकर चलने लगती है और वो एक सड़क पर पहुंच जाती है। जानवी इतनी ज्यादा परेशान होती है कि उसके सामने आ रही गाड़ी उसे दिखाई नहीं देती। जानवी का एक्सीडेंट होने ही वाला था, तभी वहाँ दो परियां आकर उसे बचा लेती है। दोनों परियां बहुत ही खूबसूरत थी। एक परी दिखने में बिल्कुल सोने के जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थी। दोनों परियों को देखकर जानवी हैरान हो जाती है और फिर जानवी उन दोनों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? ये सुनकर सोने जैसी दिखने वाली परी कहती है, अरे अरे डरो मत जानवी, हम दोनों परीलोक से यहाँ आए हैं। मेरा नाम सोन परी है और ये मेरी बहन चंदा परी। हम दोनों अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने आते हैं। हमने तुम्हें बाजार में खोया देखा, हम तभी से तुम्हारे पीछे थे और अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम बाजार में खो कैसी गई? परी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बड़े बाजार में छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जानवी अपनी दुख भरी कहानी दोनों परियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों परियां बहुत निराश होती है और जानवी की मदद करने की सोचती है। परियां अपने जादू से जानवी को उसके घर पहुंचा देती है। जानवी जब रूपाली के सामने आती है तो वो जानवी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, करमजली तू मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? माँ ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपके कामों में आपकी मदद करती हूँ। मुझे तो एक आंख नहीं भाती, रुक आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रूपाली जानवी को जान से मारने वाली होती है कि तभी वो दोनों परियां वहाँ आकर जानवी को बचा लेती है और फिर वो दोनों परियां रूपाली को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे एक पत्थर की सिल्ली में बदल देती है। उसके बाद रूपाली मन ही मन अपने की पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। दोनों परियां वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जानवी अपने पिता और छोटी बहन टीना के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।